कि एक 120 वर्ष का मनुष्य, 120 वर्ष का योगी इतने कठिन आसन कर सकता है, तो हम तो भी 50, 60 और 70 के ही हैं। ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल टू वॉच दैट, कितनी प्रिजर्वरेंस, टॉलरेंस, पेशेंस के साथ उन्होंने एक काम किया अपने ऊपर कि शरीर इतना लंबा जिया, लेकिन आयु लंबी हो जाने के बावजूद उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं आई। एक प्रेरणा मिलती। लोग घबराने लग जाते, अरे हम तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ से होगा, हम तो मोटे हो गए, हम कहाँ से होगा, अब कहाँ से होगा। ये उत्साहहीनता का लक्षण है। होना ये चाहिए कि कैसे नहीं होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा, करेंगे तो होगा। तो ये योग मार्ग करने का है। देखिए भक्ति मार्ग में क्या है, ईश्वर पर डिपेंडेंट हो जाता होगा, तो ईश्वर कृपा करेंगे तो दर्शन देंगे, ईश्वर कृपा करेंगे तो अपने धाम ले जाएंगे, और ईश्वर कृपा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो भक्त को मक्खन लगाना पड़ता है, भगवान को लगाए जा रहा है, खुश करे जाओ भगवान, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश। योग कहते नहीं, तुम संकल्प से, उत्साह से करो, प्रज्ञापूर्वक करो, जो चाहोगे वो होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। इसमें एक प्रश्न आता है फिर, कि कहो कि 10 लोग एक से आसन रोज करें, प्राणायाम भी करें, पर ये देखने में आया किसी को तो समाधि हो गई और किसी को हुई नहीं, किसी को एकाग्रता इतनी जल्दी हो जाती है और किसी की कभी भी नहीं बन पाती, ये क्यों। एक ही खीर है खा रहे हैं तो सबको एक जैसी तृप्ति होनी चाहिए थी, पर एक जैसी तृप्ति तो होती नहीं। योग के मामले में तृप्ति एक जैसी नहीं है। खीर खाओ सबको एक सी तृप्ति, तो फिर इसमें एक सी क्यों नहीं। क्योंकि इसमें फर्क ये आ जाता है कि मनुष्य का जैसा अभ्यास का वेग होगा, जैसे उसके चित्त की भूमि की शुद्धि या अशुद्धि होगी, वैसा उसका रिजल्ट हो जाएगा। एक ही चीज है, माने एक ही गुरु के 10 चेले हों, गुरु जी सबको एक सा सिखाएं, 10 के सब एक सा ही सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल एक सा ही सब कुछ कर रहे हो, तो भी रिजल्ट डिफरेंट होंगे। क्यों? उनके चित्त डिफरेंट है। तीव्र संवेगा नाम आसन, तीव्र वैराग्य वालों को जल्दी होगा। क्या जल्दी होगा? समाधि जल्दी होगी। अब तीव्र वेग किसको कहते हैं? वैराग्य को एक बार फिर से स्मरण कर लीजिए अपने चित्त में। मैंने वैराग्य के 4 प्रकार कहे कल, हैं याद? स्मरण में है किसी के? कि निकल गया दिमाग से, देखे सुने से वैराग्य पहला, सूक्ष्म वेग भी न उठे तीसरा, किसी से राग हट गया है, किसी से राग बाकी है दूसरा, और जिनके संस्कार चित्त में पड़े हैं उनके प्रति भी कोई तृष्णा न उठे चौथा। जितना वैराग्य गहरा ना कहा, उतनी जल्दी उसका फल अनुभव में आएगा। मृदु मध्या अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। मृदु
ढीला ढाला, लूक वार्म जिसे हम कहेंगे, मध्य मीडियम रेंज का वैराग्य, घटता बढ़ता, अधि मात्रात्वात, मैंने कभी तो मात्रा बढ़ गई और कभी कम हो गई, कभी इतना वैराग्य बस आज तो साधु बन ही जाना है, सब छोड़ देने, और कभी मेरा दिमाग खराब है मैं साधु बन जाऊं, भाई यहां से चेन्नई जाना हो एरोप्लेन से जाएंगे 2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे 38 घंटे में पहुंच जाएंगे, बस से जाएंगे तो शायद 6 से 8 दिन लग जाएंगे, साइकिल में जाएंगे तो कई महीने लग जाएंगे, पैदल चलेंगे तो और ज्यादा महीने लग जाएंगे, और माता रानी के जैसे जाते ना कई लोग दंडवत करते हुए, और ऐसे निकल गए तो साल ही लग जाएंगे। अब आप देखो आपका वैराग्य कैसा है। इसमें मुझे स्वामी राम का एक वचन याद आ रहा है, स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट के स्वामी राम कहा करते थे कि तीव्र वैराग्य हो 6 ही साल में हो जाएगा, मीडियम हो तो बोले 5-1 वर्ष में हो जाएगा, और तीव्र वैराग्य हो तो बोले 3 ही साल में काम हो सकता है, जस्ट 3 इयर्स। उसके सिस्टम होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, इतना काम, इतना बड़ा काम इतने कम समय में करना है तो उसके फिर कुछ टेक्नोलॉजी तो होगी ना, उसका फिर कुछ तंत्र होता है, और वो तंत्र वो तो गुरु ही बता सकता है। तीव्र वैराग्य किसके होगा, जिसके चित्त की शुद्धि होगी, और जिसके चित्त में अभी रजोगुण तो उनका मीडियम रेंज का है वैराग्य, और जिनके चित्त में मूढ़ता ही भरी पड़ी है वो तो ना इस जन्म में ना अगले जन्म में तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला, वो तो जस थे, जैसे कबीर जी बोलते हैं ना, जैसी चादर मिली ना वैसी की वैसी वापिस कर दी मैंने, उनकी तो कोरी मिली कोरी गई, मूढ़ों की मैली थी है और मैली रह जाती। तो समाधि कब लगेगी ये नहीं पूछना चाहिए, ये इसका प्रयास करना चाहिए कि मेरे वैराग्य को मैं कैसे बढ़ाऊं, मेरे वैराग्य में कमी है तो मैं ही उतनी देर कर रहा हूं अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। So onus is on you, not on guru at all. तीव्र, मृदु, मध्य, 3 तरह के वैराग्य। अब जिसका जैसा होगा वैसा उसको फल मिल जाता है। अगला सूत्र, ईश्वर प्रणिधाना तवा, सारा धार्मिक कर्म सारा यौगिक कर्म करे, लेकिन करे कैसे, प्रभु आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य और आपके आशीर्वाद से मैं कर पा रहा हूं, जो अच्छा हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। डू नॉट बी अ डूअर, आई एम डूइंग इट, आई एम लर्निंग इट, I am successful in doing this. Don't say it. Ishwar, pranidhan. पहले यम नियम में जब तैयारी कर रहा था तब वो उसको कहा कि ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। वो पतंजलि योग सूत्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो सब काम तो सब पहले कर करा के आए ना, तो सीधे मन से शुरू होते हैं पतंजलि। लेकिन इतना तो आप हम सब समझ ही रहे हैं कि ईश्वर का आश्रय कृपा की पुकार मांग करके ही तो साधना शुरू की जाती है। अभी ये पतंजलि योग सूत्र में 23वां
सूत्र आता है जहां एक ही बार सिर्फ ईश्वर का नाम आता है, जस्ट वन टाइम. वैसे ये कह दूं, सांख्य दर्शन के दो भाग हैं. सांख्य दर्शन मैंने बताया था ना, पुरुष प्रकृति और जीव तीन का वो जोड़ मानते हैं. पुरुष माने परमात्मा, प्रकृति ये त्रिगुणात्मक, और जीव, जीव माने जीव, द इंडिविजुअल सोल कह लीजिए. जीव अपना रूप भूल गया है कि वो कौन है, इसलिए त्रिगुणात्मक सृष्टि में जुड़ के क्लेशों को, दुखों को, कर्मों को भोगता है, प्रकृति में फंसा रहता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बातें कहती हूँ. कुछ बात रोक लेती हूँ, कुछ बात लगता नहीं कह लेनी चाहिए तो कह रही हूँ. अराजतम सत हमारे शरीर, मन, इंद्रियों में भी है. शरीर में तमोगुण की अधिकता, इंद्रियों में रजोगुण की अधिकता, और चित्त में, मन में सत्वगुण की अधिकता. अब यही तीन गुण सब विषयों में, सब सृष्टि में. अब सत्व का सत्व से आकर्षण है, यूं समझो खाने की चीजें मान लो मिठाई है, तो मिठाई में भी तीनों तत्व हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तमोगुण हुआ वो उसका शरीर का जो स्थूल भाग, रजोगुण हुआ जो उसकी, उसको खाने से आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन आएगा, जो उसका प्रभाव आएगा, जो उसका रस है वो आएगा, और फिर उसमें रस सात्विकता के आधार के बगैर तो होगा नहीं, तो उसमें सत्व. तो मिठाई में सत्वता है, इधर मन में सत्वता है. तो मन कहता है देखो क्या है, तो इंद्रियों में रजोगुण है ना, तो इंद्रियां ले जाती हैं उसके पास. तो जीव तमोगुण, मिठाई तमोगुण, तो मिठाई का जीव से हो गई मुलाकात. तो मन क्या ढूंढ रहा था, सत्व. मन को सत्व मिलता नहीं क्योंकि वहां तमोगुण ही तमोगुण तो घिरा हुआ है ना. तो बर्फी हाथ आ जाती है, सत्व आता नहीं, इसलिए मन फिर थोड़ी देर में उस चीज से जिसको वो बड़ा प्यार कर रहा होता है ना, उसी चीज से हट जाता है. छोड़ो बस, बहुत हो गया. समझे? वो ढूंढता सत्व है, मिलता तमोगुण है. जैसे स्त्री पुरुष में, स्त्री पुरुष से कहती मुझे तुझसे प्यार है, पुरुष स्त्री से कहता है मुझे तुमको, तुझसे प्यार है. पर जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्हें प्यार मिलता है कि एक दूसरे का सिर्फ शरीर मिलता है? शरीर मिलता है, शरीर वो भोग लेते हैं और फिर मन हट जाता है. पर मूड है ना, इसलिए फिर ढूंढता रहता है, फिर ढूंढता रहता है. तो वेदांत ये कहता है कि कोई आपको प्यारा इसलिए नहीं कि वो प्यारा है, कोई भी आपको प्यारा इसलिए होता है क्योंकि उससे आपको सुख मिलता है. आपका प्यार सुख से होता है, उस वस्तु से प्यार नहीं होता है. खीर खाओ तो मजा है या नहीं? अच्छा, आपको कोई कहे कि अब बैठो और ये 50 कटोरी खानी पड़ेगी, और डंडा लिया है हमने, और नहीं खाओगे तो जबरदस्ती खिलाएंगे, खाना ही पड़ेगा, खीर का आनंद रहेगा? वस्तु रह जाती है, बाकी सब चीजें खत्म हो जाती. हमें ना माँ प्यारी ना बाप. माँ बाप से सुख मिलता हो तो वो प्यारे है, ना मिले तो अपने ही माँ बाप से दूर जाने की इच्छा हो जाती. बच्चे, पत्नी, पति प्यारे हैं कब तक? जब उनसे मुझे सुख मिलता हो, ना मिले तो वो भी जहर लगते.
पति पत्नी तलाक दे देते हैं, माँ बाप बच्चे को डिसओन कर देते हैं, ये मेरा है ही नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं इससे। हम सुखी तो ढूंढते हैं सब जगह में। मन सत्वगुण है, मन का सत्वगुण हमेशा बाहर सत्वगुण ढूंढता है, लेकिन सत्वगुण की जगह हाथ में आता है तमोगुण, और तमोगुण से सुख थोड़ी, अंधेरे से प्रकाश थोड़ी मिल जाएगा। तमोगुण मने अंधेरा है, तो अंधेरे से प्रकाश थोड़ी मिल जाएगा। प्रकाश ढूंढो, प्रकाश मिल जाएगा। और ज्ञान ये कहता है और योग ये कहता है कि ये आनंद बेटे बाहर मत ढूंढो, वह आनंद स्वरूप तुम हो, चित्त को ठहराओ, चित्त को निरुद्ध करो और अपना आनंद का भोग करो। शिष्य कहता गुरुदेव और वो जो संस्कार जाग गए तो क्या करेंगे? कह रहे बेटे फिर तू लगाओ ना असंप्रज्ञात समाधि, लगाओ, गो इन टू निर्भीज समाधि, करो यतन प्रयतन, सब बीजों को दग्ध कर दो, तुम छोड़ो, क्या डरना है इससे, पुट एफर्ट इन टू इट। वंस यू हैव रीच द निर्बीज समाधि, खत्म, अब कोई संस्कार बचा ही नहीं है, तो कौन सा संस्कार जागेगा और कौन सा संस्कार कौन सा भोग देगा? पर ये जब तक पड़े हुए हैं संस्कार कर्म के बीज, तब तक भय भी बना रहेगा। अब यहां आके थोड़ा सा एक मैं बात वेदांत की कहना चाहूंगी। योग दर्शन कहता है निर्बीज समाधि के बाद सब ठीक, और चित्त जब तक समाधि अवस्था में है सब कुछ ठीक। वेदांत कुछ और कहता है, वेदांत कहता है कि मैं कौन हूँ ये जाना, मैं आत्मस्वरूप हूँ दृष्टा यह जाना, और यह आत्मा और ब्रह्म का दो का भेद खत्म किया, अद्वैत अनुभूति करी, और संसार और प्रकृति बोले ये तो मिथ्या है, तो मिथ्या का क्या भय, जिस रस्सी में सांप है ही नहीं वो सांप उठ के डसेगा कैसे। तो वेदांत स्थिति के ऊपर आधीन नहीं है कि चित्त की स्थिति निरुद्ध ही रहेगी तो ही है, वो कह रहे चित्त निरुद्ध रहे कि युद्ध में रहे। यहां आकर के इस पॉइंट पर आकर के सांख्य और फिर वेदांत अलग हो जाते, यहां इस पॉइंट पे आके असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि के पॉइंट के बाद आके वेद, इस पॉइंट तक किसी ये दोनों दर्शनों में देर इज नो डिफरेंस, इट्स एग्जैक्टली सेम।